हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AA08 स्पोर्ट्स। गाइस, मोहम्मद अली बेमेमार फाइनली गुवाहाटी में आ चुका है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस डाउनटाउन हीरोज FC का मैच का प्लेइंग 11 क्या होगा? क्या इस मैच में नेस्टर एल्बियस इप्सन मेलो को फुल टाइम खेलते हुए नजर आएगा? मैच में बेमेमार खेलेगा या नहीं, ऐसी टॉपिक के ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेता हूँ मोहम्मद अली बेमेमार के बारे में। गाइस, कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोरक्को के डिफेंसिव मिडफील्डर बेमेमार को साइन किया था। बेमेमार का ऑफिशियली अनाउंसमेंट की भी कुछ दिन हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट पर गुवाहाटी पर बेमेमार नहीं आई थी और आज एक खबर मिला है कि कल बेमेमार गुवाहाटी में लैंड कर चुका है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने बेमेमार की कोई जानकारी शेयर नहीं किया है सोशल मीडिया पर। थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का एक स्पोर्ट सोर्सेस से एक खबर मिला है कि कल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का डिफेंसिव मिडफील्डर बेमेमार गुवाहाटी पे लैंड कर चुका है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बेमेमार ट्रेनिंग कर रहा है या नहीं, इसका कोई अपडेट नहीं है। जब अपडेट मिलेगा आप लोगों को जरूर बताऊँगा। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस डाउनटाउन हीरोज FC का जो 20 अगस्त का मैच है, उस मैच में बेमेमार खेलने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि बेमेमार कल गुवाहाटी में पहुंचा है और ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है या नहीं, उसका कोई अपडेट नहीं है। इसीलिए 20 अगस्त का जो मैच है, उस मैच में बेमेमार नहीं खेलेगा। फिर भी बेमेमार को खेलने के लिए चांस मिलेगा तो सिर्फ 10 या 15 मिनट ही खेलेगा। नेक्स्ट अपडेट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस डाउनटाउन हीरोज FC के जो 20 अगस्त का मैच है, उस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC 6-0 स्कोर लाइन जीतना पड़ेगा, तब ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC गोवा को बीट कर पाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC सिर्फ डाउनटाउन हीरोज FC के साथ जीतने पर ही प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। टूरान कप की क्वालिफाई प्रोसेस के ऊपर इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है, आप लोग चाहे तो इस वीडियो को देख सकते। 20 अगस्त का डाउनटाउन हीरोज FC के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का प्लेइंग 11 के बारे में बात किया जाए तो ये प्लेइंग 11 सिर्फ मैंने बनाया है, ये ऑफिशियल प्लेइंग 11 नहीं है, क्योंकि जो ऑफिशियल प्लेइंग 11 है, जो स्टार्टिंग 11 है, वो मैच स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट या 15 मिनट पर रिलीज करते हैं। लेकिन अब जो मैं प्लेइंग 11 बनाए है, इस प्लेइंग 11 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC 20 अगस्त को खेलने का चांस है। आइए प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। गोलकीपर की बात किया जाए तो जुआन पेड्रो बेनाली यहाँ पर गोलकीपर मिर्साद मिर्चू को ही रखेगा, क्योंकि ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेंटर बैक की बात किया जाए तो सेंटर बैक गौरव बरा और मोहम्मद इरशाद को मैंने रखा है। पिछली मैच में सेंटर बैक पोजीशन पर गौरव बरा और SR अख्तार थे, लेकिन SR अख्तार के जगह मैंने मोहम्मद इरशाद को रखा है, क्योंकि मोहम्मद इरशाद पिछली मैच में सब्स्टिट्यूशन में आए थे, लेकिन बहुत ही कमाल दिखाया था वो मोहम्मद इरशाद। इसके बाद राइट बैक में मैंने रखा है दिनेश सिंह को और लेफ्ट बैक पर तंदम्बा सिंह को रखा है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के पास तंदम्बा सिंह के अलावा क्रियामंडल भी बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन जुआन पेड्रो बेनाली ने तंदम्बा सिंह को चांस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर तंदम्बा सिंह खेलने का चांस ज़्यादा है। इसके बाद डिफेंसिव मिडफील्ड के बारे में बात किया जाए तो डिफेंसिव मिडफील्ड पर रोमेन फिलिपिटियो और फाल्गुनी सिंह। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के पास फाल्गुनी सिंह के अलावा प्रज्ञान गोगोई भी अवेलेबल है, प्रज्ञान गोगोई भी बेस्ट ऑप्शन। और अटैकिंग मिडफील्ड पर नेस्टर एल्बियस, पिछली मैच में नेस्टर एल्बियस और इप्सन मेलो को स्टार्टिंग 11 में चांस नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में जुआन पेड्रो बेनाली जरूर इन दोनों फॉरेनर प्लेयर को खिलाएगा, क्योंकि इस मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राइट विंग पर पार्थिव गोगोई और लेफ्ट विंग पर रीडिंग प्लांग और सेंटर फॉरवर्ड पर इप्सन मेलो। सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पर मनवीर सिंह भी है, लेकिन
यहां पर इप्सन मिलो को खिलाना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को बहुत ही ज्यादा गोल दागना चाहिए। इससे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो गोल पॉइंट है ना वो प्लस रहेगा। सेंटर फॉरवर्ड पर यह भी हो सकता है कि इप्सन मिलो को भी थोड़ा सा खिलाएगा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मनवीर सिंह को भी थोड़ा खिलाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इप्सन मिलो को स्टार्टिंग 11 में चांस मिलना चाहिए। आप लोगों को ये प्लेइंग 11 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो इतना ही था। जय असम, वंदे मातरम।